नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डेटा रखने और लोगों को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाने के लिए कोविड विन ऐप नाम से एक ऐप बनाया है। देश के नागरिक जो हेल्थ वर्कर्स नहीं है, वह वैक्सीन के लिए कोविन ऐप्स पर सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ये ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करना होगा। टीकाकरण को उपयोग करने के लिए लॉन्च किए जाने के बाद जो लोग ऐप पर पहले से पंजीकृत होंगे, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन मिल जाएगी। जानते हैं कोविन ऐप क्या है। कोविन कोविड 19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ईविन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का अपग्रेडेड वर्जन है और इसे प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सरकार 3 चरणों में टीका लगवाएगी। इनमें पहले चरण में सभी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और दूसरे चरण में आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोगों को वैक्सीन का टीका लगेगा। राज्य सरकार इन लोगों का डेटा इकट्ठा करने में लगी हुई है। इसके बाद तीसरे चरण में उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी जो गंभीर बीमारियों के शिकार हैं। इसके लिए कोविन ऐप के जरिए एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की भी जरूरत होगी। कोविड 19 वैक्सीन के आराम से ट्रैकिंग और रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए कोविन ऐप को 5 मॉड्यूल में बांटा गया है, जिसमें पहला प्रशासनिक मॉड्यूल, दूसरा रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तीसरा वैक्सीनेशन मॉड्यूल, चौथा लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल और पांचवा रिपोर्ट मॉड्यूल। जो लोग टीकाकरण करवाना चाहते हैं, उन्हें पंजीकरण मॉड्यूल के तहत विवरण देना और उपलब्ध कराना होगा। वैक्सीनेशन मॉड्यूल में उनके वितरणों को सत्यापित किया जाएगा और लाभान्वित स्वीकृति मॉड्यूल उनके टीकाकरण के बारे में उन्हें एक सर्टिफिकेट भेजेगा। कोविन ऐप वैक्सीन के लिए कैसे करें रजिस्टर। नागरिक जो स्वास्थ्य वर्कर नहीं है, वे कोविन ऐप का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के माध्यम से वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकेंगे। कोविन ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि यह एप्लीकेशन अभी लॉन्च नहीं हुई है। कोविन वेबसाइट पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 12 फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन डॉक्यूमेंट शामिल है, में से किसी एक की जरूरत होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद बेनिफिशियरी को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, जिसमें मिली तारीख, वैक्सीनेशन का टाइम और जगह दे दी जाएगी। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ। We'll be right back.